हेलो एवरीवन, आप सभी का नर्सिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नंबर वन संस्थान यानी जीकेएम में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं पिनिस्टी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं कि इस पिनिस्टी एग्ज़ाम के लिए 20 से 25 दिन में अपना सिलेक्शन आराम से और श्योर कैसे करें आप। ठीक है, तो सिलेक्शन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है और किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि माइनर छोटी छोटी चीज़ें ही आपका क्या करवाती है, सिलेक्शन को रोकेगी। तो हमें क्या करना है, उन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करना है और उन छोटी छोटी गलतियों से ही हमें अपनी बड़ी गलतियों को भी क्या करना है, सुधारना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी प्रॉपर। अब देखिए बेटा, आपके पास में जो टोटल टाइमिंग बचा हुआ है सर, तो वो टाइमिंग बचा है टोटल आपके पास 20 से लेकर टोटल कितने दिन बचे हैं सर, 20 से 25 दिन बचे हैं। इस 20 से 25 दिन में ऐसी क्या चीज़ें पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो और सिलेक्शन काफ़ी आसान बन सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले स्टूडेंट का एक चीज़ यही है कि सर पीएनएसटी के एग्जाम स्ट्रेटजी, और सेकंड नंबर की मैं पॉइंट की बात करूं कि सर पीएनएसटी सिलेक्शन कैसे होगा आपका। तो पीएनएसटी सिलेक्शन को आसान करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, या यदि मैं बात करूं कि सर कुछ टिप्स देने वाला हूं, तो उन चीज़ों के बारे में आप सभी स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखें और माइंड को सारा सेट करके आप अपनी स्टडी के ऊपर प्रॉपर फोकस करें, और फोकस करने के साथ में पूरा ध्यान आकर्षित करके अपना श्योर सिलेक्शन निकालें। आप पढ़ रहे हैं किसके लिए, पीएनएसटी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो आपको कैसी क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर हमारे पास जो टास्क दिया गया है वो कितने नंबर का टोटल टास्क है सर, 100 नंबर का टास्क दिया गया है। अब मैं बात करूं कि सर 100 नंबर का जो टास्क दिया गया उसके लिए हमें जो पढ़ना है वो टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और 100 मार्क्स की तैयारी हमें करना है। क्या चीज करना है आपको, 100 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करना है। तो 100 मार्क्स की तैयारी के लिए आपको एक चीज का ध्यान रहे कि सर ऐसी क्या क्या चीजें जिनके ऊपर आपको ध्यान देना रहेगा, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। सर 100 नंबर की जो स्टडी है जिसमें अपन बात करें सर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, इंग्लिश और जीके। अब ये जो 100 नंबर की मैं बात करूं कि सर ये 100 नंबर का जो टारगेट है उसको क्रॉस कैसे करेंगे, तो 100 नंबर के टारगेट को क्रॉस करने के लिए आपको केवल और केवल पूरा सब्जेक्ट, पूरे सिलेबस के ऊपर आपको ध्यान देना रहेगा। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और हर एक चीज आपको क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि सर यहां पर जो चीजें दी गई उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझेंगे। तो उस चीज के लिए यदि मैं बात करूं कि सर सबसे बड़ी मेन चीज क्या रहेगी, तो देखिए आप कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं या तो आप ऑफलाइन मोड में कैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आपको केवल और केवल एक चीज का ध्यान रहे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ना, क्या होगा कैसे होगा, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपका सिलेक्शन में बदलने वाला है, तो ध्यान रहे सबसे पहले कॉन्फिडेंस बनाना है आपको। यदि मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व चैप्टर, अब मैं बात करूं कि आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश में यदि आपको सिलेबस चाहिए तो आपको जीकेएम का क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, टेलीग्राम जो चैनल है उसके अंदर ग्रुप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। वहां पे ज्वाइन होने के बाद में, वहां पे ज्वाइन होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, हिंदी व इंग्लिश में सिलेबस ले सकते हैं। अब वो सिलेबस देखने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है। एक चीज सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती करता है, वो ये चीज करता है कि जो चीजें आपको आ रही है उस चीज को आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है बेटा। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते हैं कि सर जो चैप्टर हम आ रहा है उसी चीज को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज आपको थोड़ी सी भी नहीं आ रही उसके लिए आप यदि थोड़े से भी प्रयास नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अपने नंबर एग्जाम में कम आएंगे। अब मैं बात करूं कि सर उस एग्जाम में नंबर कम आएंगे तो हमें किसी भी चैप्टर को, चाहे वो कोई सा भी हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई से भी टॉपिक में आपको यदि अच्छे से आ रहा है, आपको याद आ रहा है, तो उसको दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यदि दोबारा रिपीट करोगे तो आप उतना ही पढ़ पाओगे जितना आपको आ रहा है उसमें, थोड़ी बहुत एक दो चीजें नहीं निकाल लोगे। लेकिन जो आपको नहीं आ रहा है उस चैप्टर, उस सिलेबस को टोटली मिलाकर आप वहीं पर क्या कर दोगे, रख दोगे आप उसको। और यदि वो रख दिया तो वो आपके एग्जाम के लिए, आप यदि रख दिया और वही शायद आपके एग्जाम में पूछ जाए तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सबसे बड़ी यही चीज है। तो रिपीट नहीं करना है आपको सबसे पहले। यदि मैं बात करूं कि सर सब्जेक्ट टॉपिक, अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो माइनर टॉपिक है, क्या है, माइनर टॉपिक है, कोई से भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, एग्जाम्पल के लिए कोई से भी माइनर टॉपिक है, उन टॉपिक को आपको ध्यान देना है, माइनर टॉपिक्स को, माइनर टॉपिक को आपको काफी अच्छे से रीड करके जाना है, काफी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सर ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। आप पुराने साल के भी पीएनएसटी के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वहां पर किसी भी टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना करके, मान लीजिए कोई सा भी एक टॉपिक आपको बायो में से पूछ लिया, उस टॉपिक को यदि पूछा गया उसके 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भी पूछेगा, कोई सा ऐसा चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन नहीं आए हुए। तो आपको कुल मिलाकर के एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस आपके पास है, जो सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में आपको टेलीग्राम चैनल जीकेएम के मिलेगा, उस सिलेबस को आपको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है आपको।
कंप्लीट करने के बाद में स्टडी के ऊपर प्रॉपर फोकस आप कैसे करेंगे। स्टडी पर प्रॉपर फोकस करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी है आपके सामने क्या फेस्टिवल, यानी मैं फेस्टिवल की बात करूं सर, रक्षाबंधन वगैरह आ रहा है, तो देखो बेटा फेस्टिवल भी आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और मैं बात करूँ उसी के साथ में फेस्टिवल के साथ में आपका क्या है कैरियर भी है, ठीक है। तो यदि आपका कैरियर है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों चीज के ऊपर ध्यान देना है। अभी आपको कुल मिला के करियर के ऊपर पूरा अच्छे से फोकस कर लेना है आपको, कि सर ये कम दिन बचे हैं ना, इन कम दिन में काफी अच्छे से मेहनत कर ले और काफी अच्छे से पढ़ ले ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोशल नेटवर्क वगैरह, इनसे आप थोड़ा सा इनसे लिंक हटा करके और अपने फोकस लगा दीजिए, क्योंकि आपके आने वाले 365 दिन, या मैं बात करूं कि सर इसको भी हटा दीजिए आप, यदि मैं बात करूं कि आने वाले 4 साल आपके लिए काफ़ी सही होने वाले हैं। सर कैसे होने वाले, जब आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में होगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो आपको दो चीज़ें मिलेगी सर। वो क्या क्या चीज़ें मिलेगी, एक तो आपको कॉलेज भी मिलेगा 4 साल के बाद में, आपको जॉब भी। तो आपको यदि दोनों चीज़ें अच्छे से मिल रही है तो आपको 20 से 25 दिन काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। यदि आप सोच रहे हैं नहीं पढ़े सर कुछ होगा नहीं, आपको पढ़ना है, आप अपने लिए पढ़ें और अपने माता पिता के लिए यदि पढ़ेंगे ना आप, तो मैं बता रहा हूँ सच बेटा कि आप डेफिनेटली सिलेक्शन निकाल पाएंगे आप। अब बहुत सारे बच्चे यही हैं, कम दिन बचे तैयारी कैसे करें, क्या चीज़ सब हो जाएगी तैयारी। यदि जिन बच्चों ने अभी तक जीकेएम की टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं खरीदी है, वो जीकेएम के ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, दोनों माध्यम में रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में। इसके अलावा मैं बात करूं कि सर सिलेबस में आप 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट को क्रॉस कैसे करें और कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और क्या हो गया जीके। सर हमारे पास जो दिन बचे हैं कुल मिलाकर के एग्जाम्पल के 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स से सर हमें कंप्लीट करना है केवल आप लास्ट 5 दिन में कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री हमें कंप्लीट करना है 5 दिन के अंदर, बायो हमें कंप्लीट कर लेना है 5 दिन के अंदर, इंग्लिश भी हमें 5 दिन के अंदर। एक आपको सारा टाइम शेड्यूल आपको फिक्स कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं कि आपने अपना सारा चीज यदि सब्जेक्ट को टाइम के अकॉर्डिंग यदि आपने फिक्स कर दिया, तो आपको एक चीज़ ये लगेगी कि यार चलो कहीं ना कहीं तो आप अपन ने बहुत कुछ सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, पढ़ाई करने के साथ में पढ़ने के साथ में कोई से भी चैप्टर को रिपीट नहीं करना है आपको, जो चीज़ें आ रही उनको आपको दोबारा रिपीट नहीं करना, जो चीज़ें नहीं आ रही उनको थोड़ा सा पढ़ने की आप कोशिश करें। यदि आप उनको कोशिश भी कर लिया, आपने उनको याद भी कर लिया, यदि मैं बात करूँ कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ सारे ऐसे चैप्टर है जो आपके बिल्कुल वीक होंगे, उन चैप्टर के जाके आप फार्मूले वगैरह पढ़ लो सारी चीज़ें, तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो सोल्व हो पाएंगे, उस क्वेश्चन के संभव मतलब जो असंभव क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा बहुत तो संभव बना पाओगे। आ रही सारी चीज़ें क्लियर। इसके अलावा बात करें कि सर कम टाइम में एक चीज़ तो अपन ने स्ट्रेटजी अपना ली कि सर यहाँ पर सारी चीज़ें कर ली, अब यदि आप टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चों के पास में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को दो चीज़ें होती है कि सर एक क्वेश्चन बिग है तो इसका आंसर भी बिग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन बड़े जरूर होते हैं लेकिन उनके आंसर क्या होते हैं छोटे होते हैं। कुछ क्वेश्चन यदि मैं बात करूं कि सर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो माइनर होते हैं लेकिन उनके आंसर कैसे होते हैं सर मेजर होते हैं सर। तो अब उन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज का यह ध्यान रखना है कि सर उनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखनी है कि उनको आपको अच्छे से क्या करना है, पूरी तरीके से मैं बात करूं तो उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, रीड की मैं बात करूं यानी केयरफुली आपको पढ़ लेना है उनको, और केयरफुली पढ़ने के साथ में आपको उनको ध्यान रखना है क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। मान लीजिए कोई सी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सर यहाँ पर ऐसा घुमाकर पूछा गया है तो इसको एग्जाम में घुमाकर कैसा पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उन सारी चीजों को एक चीज का ध्यान रहे कि क्वेश्चन यहां पर कैसा है, एग्जाम में कैसा एग्जामिनर घुमा सकते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है केवल। और यही स्ट्रेटजी मैंने बताई कि सर यही प्लान यदि आपने बना लिया माइंड में एक चीज का और, तो आपका सिलेक्शन आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, हमारा सिलेक्शन हमारे लिए तो आसान हो जाएगा सर। अब मैं बात करूं कि सर इसके लिए मेन चीज एमसीक्यू, जैसे आपको पता होगा कि जीकेएम के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको कई कई की क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीके की फ्री लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही है। अब उन फ्री लाइव क्लासेस को आपको अटेंड करने के लिए जीकेएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वहां पर। अब ये जो क्वेश्चन आपको यहां पर पढ़ा जा रहे हैं उनका सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जीकेएम का टेलीग्राम चैनल। सर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करने से जो भी क्वेश्चन हम यहां पर पढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से उसी का सॉल्यूशन वहां आपको मिल सकेगा।
और यदि मैं बात करूं कि सर 100 नंबर के डेली क्वेश्चन जीकेएम के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जाए तो लास्ट के 20 से 25 दिन यदि आप प्रिपरेशन करते हैं सर, हमारे पास टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए सर? 2500 एमसीक्यूज हो चुके हैं सर लगभग। और 2500 एमसीक्यूज या 3000 एमसीक्यूज यदि आप ऑनलाइन जीकेएम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के जाओगे तो आपके पास तो क्वेश्चन का काफी भंडार होगा, और आपके पास ऑलरेडी पहले भंडार रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं से आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। तो ध्यान रहे कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं और अपने माता पिता के लिए पढ़ रहे हैं, तो यही चीज का ध्यान रहे कि दिमाग में जो आपको टोटली एक चीज का यह ध्यान रखना है कि जो भी सिलेबस वगैरह जो भी टॉपिक वगैरह है आपके पास में, उस टॉपिक को काफी अच्छे से आपको क्या कर लेना है, कवर कर लेना है, और पूरी मेहनत और पूरे जुनून के साथ में आपको इस एग्जाम को फतेह कर देना है आपको। आई होप कि यहां तक जो जानकारी मैंने दी काफी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। समझ में आने के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहा हूं कट ऑफ रिलेटेड, जो कि अपन कट ऑफ की बात करेंगे वो 100 मार्क्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि सर इसमें एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ध्यान रहे आप, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो के बारे में आपको कंफर्म हो सके, और जीकेएम की जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस उनके साथ जुड़ना न भूले। तो आज के वीडियो में इतना ही, बनेंगे आप जीकेएम के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।